आज हम बात करने वाले हैं सीएससी डीजीपी के नए नोटिफिकेशन के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा यदि आप पूरी बात जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम अनुपम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड। तो सबसे पहले आपको जो है नोटिफिकेशन की ओर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डिजी मेल लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पे आप 29 जनवरी का सीएससी न्यूज लेटर, जैसे इस पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने हाईलाइट्स में सबसे पहली न्यूज आ जाएगी, कैशबैक ऑफर ऑन डिजी पे रजिस्ट्रेशन। जैसे आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर आ जाता है, कैशबैक ऑफर ऑन डिजी पे रजिस्ट्रेशन। तो अभी तक जो सीएससी में कैशबैक ऑफर आता था वो ट्रांजेक्शन पे आता था, अभी रजिस्ट्रेशन पे आने लगा है। ये इसलिए किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा VLE जो है DGP के साथ जुड़े। तो आज मैं उसके इफ़ेक्ट बताने वाला हूँ, क्या लाभ हैं, क्या हानियाँ हैं और साथ में क्या है न्यूज़। ये तीनों चीज़ें आपको 1 मिनट में क्लियर कर दूंगा, फिर आप पे निर्भर होता है आप DGP यूज करते हैं या नहीं। तो यहाँ पे कैशबैक ऑफर ऑन DGP रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे बताया गया है कैशबैक ऑफर चल रहा है 15 जनवरी टू 8 फरवरी, 8 फरवरी तक चलेगा। तो इसमें आपको DGP में रजिस्ट्रेशन कर लेना है और पहला ट्रांजेक्शन कर देना है। तो यहाँ पे कैशबैक ऑफर ओनली दोज VLE हु रजिस्टर फर्स्ट टाइम ऑन DGP। और आप फर्स्ट टाइम DGP पे रजिस्टर करेंगे इस समय, ऐसा नहीं है कि पहले कर चुके थे फिर काम बंद कर दिया या फिर ऐप इंस्टॉल कर दिया, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा करेंगे तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। यानी कि पहले VLE, ऐसे VLE जो पहली बार DGP पे रजिस्ट्रेशन करेंगे इस समय अंतराल के बीच में, उसके बाद में वो 100 या उससे ज़्यादा या उससे कम रुपए, 100 या उससे ज़्यादा का ट्रांजेक्शन करेंगे, सक्सेसफुल विड्रॉ ट्रांजेक्शन होना चाहिए, 100 रुपये से ज़्यादा का विड्रॉ करेंगे, तब जो है अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इन VLE डिजिटल सेवा वैलेट। डिजिटल सेवा वैलेट में आपका कैशबैक आ जाएगा 100 रुपये का। यहाँ पे देख सकते हैं कैशबैक अमाउंट ₹100, 100 रुपये का कैशबैक आ जाएगा। यानी कि 100 रुपये 100 आपको मिलने वाला है फर्स्ट टाइम के लिए, सिर्फ एक बार ही मिलेगा। और यहाँ पे ऑफर विल बी एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट रजिस्ट्रेशन ऑन DGP, ऑफर वैलिड फ्रॉम 25 जन 2019 टू 8 फेब 2019। जैसा कि ऊपर कुछ और बताया गया, नीचे कुछ और बताया गया है। तो यहाँ पे ऊपर बताया गया ऑफर जो वैलिड है 15 जनवरी से है, और नीचे बताया गया 15-25 जनवरी से है। तो फाइनली 25 जनवरी से तो ज़्यादा ही हो गया है। तो अभी तक किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन करके, पहली बार रजिस्ट्रेशन करेगा, पहला ट्रांजेक्शन करेगा, 100 रुपये उसको मिल जाएंगे। और मिनिमम बैलेंस भी 100 है DGP का, यानी कि ये समझ लीजिए कि आपको मिनिमम बैलेंस दे रही है CSC खुद। कैशबैक तो सिर्फ एक बहाना है। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। तो जो कमीशन आपको CSC DGP देगा, कोई APS आपको नहीं देगा, ये इसका बेनिफिट है। और जो भी लोग यूज कर रहे हैं वो अच्छी कमाई कर रहे हैं। बस इसको यूज करने का फंडा ये है कि आप बैंकिंग की तरह यूज कीजिए, सिर्फ बैंकिंग टाइम में यूज कीजिए और अच्छे से यूज कीजिए, नेटवर्किंग का ध्यान रखिए। जब आप सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ट्रांजेक्शन फंसेगा नहीं, मेन चीज़ यही है। DGP में ट्रांजेक्शन ना फंसाइए, बाकी काम अच्छे से होगा, क्योंकि सपोर्ट करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। कंपनी के पास आप कॉल करते रहेंगे, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप जो है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास कॉल करते रहेंगे, कोई सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपका ट्रांजेक्शन फंस जाता है, जैसा कि हमारे एक VLE हैं, उनका 12,000 रुपये फंस गया था और लगभग 3 महीने बाद वापस मिला था। तो अगर आपका ऐसा कोई अमाउंट फंस जाता है तो आपको DGP में नुकसान हो सकता है। कस्टमर तो आपसे ले ही लेगा, कस्टमर शांति नहीं रखेगा, वो आपसे ले लेगा और आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आता है कि मतलब ट्रांजेक्शन फंस गया तो प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी 24 घंटे में, 3 दिन में या 3-3 महीने तक लगा देते हैं। और आप क्या करते हैं, अपने SMDM को कॉल ही करते रहते हैं और उससे कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसको यूज कीजिए, बहुत ही अच्छा है। और यूज करने का फंडा मैंने बताया जैसा कि आपको बैंकिंग टाइम में यूज करना है। बैंकिंग टाइम में यूज करेंगे तो एकदम मस्त चलेगा, और नेटवर्किंग बहुत अच्छी होनी चाहिए तो मस्त चलेगा। और इतना कैश जो आपको कमीशन है कोई नहीं देगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।